और पखांजूर में इंडियन न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल बीओ कार्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित एक स्कूल में 8वीं तक की कक्षा संचालित करने की मान्यता उन्हें प्राप्त है। इसके बावजूद वे 9वीं की कक्षा भी संचालित कर रहे थे, साथ ही परीक्षा लेकर ये मार्कशीट भी बांट रहे थे बच्चों को। इस खबर को इंडियन न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष असीम रॉय ने यहाँ स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग की है। साथ ही इस फर्जीवाड़े पर अधिकारी भी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। दुख की बात है कि बच्चे के भविष्य के लिए खिलवाड़ हो रहा है, और वो भी पखांजूर में जहाँ सभी प्रशासक, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग सभी अधिकारी आ रहते हैं, उसके नाक के तले इस तरह का फर्जीवाड़ा करके एक बाहरी व्यक्ति आकर या स्कूल सर्वोदय स्कूल के नाम पर संचालन की जा रही है, और जिनके कार्रवाई नहीं है, धरले से वह एडमिशन दे रहा और टीचर दे रहा, और उन बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भारी दिक्कत आता है और बच्चों को भविष्य में खिलवाड़ कर रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, इनके सख्त कार्रवाई किया जाए, और जो फर्जीवाड़ा की जा रही है इनके तहत फर्जीवाड़ा केस भी किया जाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।